पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा और बसपा के गठबंधन के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए जहां शहर में होल्डिंग लगाए गए तो वहीं जश्न मनाकर खुशी को दुगना किया गया। सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर मायावती और अखिलेश यादव की लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इससे पहले ही मुरादाबाद में कुछ रोचक तस्वीर सामने आई है। मुरादाबाद की सड़कों पर सपा के लोगों ने कुछ दिलचस्प होल्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें मायावती साइकिल पर सवार देखी गई और बसपा का हाथी साइकिल चला रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव को साइकिल के कैरियर पे खड़े हुए देखा गया। मुरादाबाद के चौराहों पर लगे ये होल्डिंग चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब सपा कार्यकर्ताओं से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, ये गठबंधन जनता का गठबंधन है, उनके विचारों का गठबंधन है। भाजपा को हराने के लिए जनता के द्वारा ये गठबंधन किया गया है। देखिए, ये गठबंधन सपा बसपा का नहीं है, ये आम जनता का गठबंधन। जनता की मांग है और हिंदुस्तान की जनता की ये मांग है कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। होर्डिंग्स हमने यही संदेश दिया है कि आने वाला समय सपा और बसपा का है, सपा और बसपा को ही आने वाले चुनावों में वोट देना है, इसीलिए हमने ये होर्डिंग। अच्छा, जिस तरह से क्या उम्मीदें हैं इस गठबंधन के बाद में? देखिए, गठबंधन तो एक जनता की भावनाओं का गठबंधन है। जनता चाहती है कि गठबंधन हो और बीजेपी को हराया जाए। जो सांप्रदायिक ताकतें देश पे काबिज हो गई है, उन्हें भगाने का समय आ गया और 2019 में इन ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम ये गठबंधन करेगा। शहर में जगह जगह होर्डिंग लगाकर क्या संदेश दिया जा रहा है? संदेश यही है कि सपा और बसपा एक हो चुके हैं, आप जनता को खुलकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का समय आ गया है। कोई वोट अभी उधर डिवाइड नहीं होगा, हमारे वोट डिवाइड होते थे और भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेकर सत्ता पर काबिज हो जाती थी। अच्छा, एक चीज़ और है, सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी यहाँ कार्यकर्ताओं में आपसी असमंजस दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक एक कार्यकर्ता एक है और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये कोई नई बात है।